गुड मॉर्निंग बच्चों, ओवरहेड्स का जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट हमारा एक चीज़ रह गई थी, लास्ट मेथड कह लें या लास्ट पॉइंट कह लें, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एस्टीमेशन ऑफ द रेट ऑफ ओवरहेड्स, मतलब हमें ओवरहेड्स की रेट क्या पड़ रही है। चार मेथड हैं इसके। पहला मेथड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम टोटल ओवरहेड्स को एस्टीमेट करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। दूसरा मेथड है डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, इसमें हम ओवरहेड्स को एस्टीमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, यानी पर आवर रेट क्या पड़ रही है। एंड थर्ड मेथड इज मशीन आवर रेट मेथड, और इसमें हम एस्टीमेट करते हैं ओवरहेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, यानी कि पर मशीन आवर क्या रेट पड़ रही है। फोर्थ मेथड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि ओवरहेड्स हमारे बेस्ड हैं मटेरियल कॉस्ट पर, तो जितनी मटेरियल कॉस्ट लगती है उसकी कुछ परसेंटेज हमारे ओवरहेड्स चलेंगे। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने फर्स्ट मेथड और फोर्थ मेथड में 100 का मल्टीप्लाई किया, जबकि सेकेंड में और थर्ड में नहीं किया। ऐसा इसलिए कि फर्स्ट और फोर्थ मेथड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेशन में थे, यानी दोनों रुपीज़ में थे, जबकि सेकेंड और थर्ड में न्यूमरेटर था वो अमाउंट में था यानी रुपीस में था, और डिनोमिनेटर आवर्स में था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पे बेस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो हम कल 8 तक कर लिए थे, 9th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फ्रॉम द बजटेड फिगर्स ऑफ मैसूर सोप फैक्ट्री प्रिपेयर नॉर्मल ओवरहेड एप्लीकेशन रेट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड एंड द मशीन आवर रेट मेथड। बुक आप लोगों ने खोल ली होगी, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओवरहेड रेट तीन मेथड लगाने हैं, लेबर आवर रेट, लेबर कॉस्ट एंड मशीन आवर रेट। बजटेड फिगर्स फॉर द ईयर, ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, पूरे साल की फिगर दी हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 58,000, लेबर कॉस्ट 97,800, लेबर आवर्स 134,600, मशीन आवर 50,500। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट नंबर 4, पहला मेथड है हमको ए पॉइंट, पहला मेथड है डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड। वही फॉर्म लगाएंगे जो हमने पढ़ा था, क्या टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओवरहेड्स हैं 58,000 और आवर्स हैं हमारे लेबर आवर्स हैं 134,600, इक्वल्स टू आ गया 0.43 पर आवर, 0.43 पर लेबर आवर। सेकंड मेथड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। फॉर्मूला है इसका, अभी हमने पढ़ा था, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। तो 58,000 डिवाइडेड बाय 97,800 इंटू 100, %59.30। थर्ड फॉर्मूला है मशीन आवर रेट, क्या फॉर्मूला है इसका, टोटल
ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स कितना हुआ? 58,000 डिवाइडेड बाय 50,500 1.15 पर मशीन आवर। अब इसका बी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेट्स टू बैच नंबर 243 फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। कह रहा है आपको कॉस्ट का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और ओवरहेड रेट जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। बैच नंबर 243 की इंफॉर्मेशन दी हुई है। मटेरियल कंज्यूम 42, लेबर आवर 30, डायरेक्ट लेबर 45, मशीन आवर 20, इसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट इकट्ठा बना लेते हैं तीनों मेथड को लगाते हुए। कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट मेथड, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड और मशीन आवर रेट मेथड। ठीक है, ये जो रेट है वो हमारी केवल ओवरहेड्स के लिए है। जो मेथड कैलकुलेट की है वो ओवरहेड्स के लिए है। मटेरियल और लेबर सेम रहेंगे, तीनों मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वी आर कंसर्न विद द ओवरहेड्स। निकाल के दिया हुआ है 42, 42, 42, 45, 45 एंड 45। नाउ वी हैव द प्राइम कॉस्ट 87, 87, 87। ओवरहेड्स पहले मेथड से निकालते हैं। पहला मेथड था हमारा लेबर आवर रेट मेथड। क्या रेट थी? 0.43 पर लेबर आवर। तो लेबर आवर कितने हैं हमारे? 30 × 0.43। फ्रैक्शन की वजह से आंसर वेरी कर सकता है पर गलत नहीं माना जाएगा। दिस इज 12.9। सेकंड था लेबर कॉस्ट मेथड, यानी कि हमें परसेंटेज अप्लाई करनी थी लेबर कॉस्ट पर। 59.30, 45 × 59.30%। एंड थर्ड इज मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर से हमारे 20, रेट थी हमारी 1.15 पर मशीन आवर, 23 रुपीज। टोटल आ गया बच्चों 99.90, 113.69 एंड 110। एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हमें पहले ए पार्ट में उसने कहा कि तीन मेथड से रेट निकालो ओवरहेड की। डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, वो हमने क्या किया, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, दैट इज 0.43 पर लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, जिसमें हमें परसेंटेज बेस निकालना था कि कितनी परसेंटेज लेबर की ओवरहेड में जा रही है, दैट इज 59.30%। और थर्ड वन इज मशीन आवर रेट मेथड, दैट इज आया हमारे पास आया 1.15 पर मशीन आवर। बच्चों इसके बाद जब बी पार्ट आया तो उन्होंने कहा था बैच नंबर 243 की कंपेरेटिव कॉस्ट निकालो। अब जो हमने रेट निकाली ऊपर वो तो ओवरहेड की थी। बी पार्ट में उसने ये कहा कि जो आपने ऊपर रेट निकाली हैं उनको अप्लाई करो नीचे और तीनों कंपेरेटिव चार्ट बनाओ। अब ये रेट थी ओवरहेड्स की, तो मटेरियल की और लेबर की तो फिगर वही रहेगी जो ऑलरेडी दी हुई है, चेंज नहीं होगी। वो कितनी दी थी हमें? 42 और लेबर की 45। तो प्राइम कॉस्ट तो तीनों मेथड में सेम रहेंगी, चेंज होगा ओवरहेड्स का। पहला मेथड था डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, यानी कि हमने जो मेथड देखा उसमें क्या रेट थी?
0.43 पर लेबर आवर। अब बैच नंबर 243 के लिए कितने आवर दिए हुए हैं, 30, तो 30 का मैंने मल्टीप्लाई किया 0.43 से, तो वी हैव 12.90 ओवरहेड्स। उसके बाद सेकेंड मेथड था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, वो कहता था कि जो लेबर कॉस्ट है उसका 59.30% ओवरहेड्स हैं, तो लेबर कितनी है 45, उसका 59.30% हमने क्या अप्लाई किया ओवरहेड्स के लिए, तो कितने ओवरहेड्स आ गए 26.69। इसके बाद मशीन आवर रेट कितना था हमारा 1.15 पर मशीन आवर, मशीन आवर कितने हैं बैच नंबर 243 के लिए 20 का मल्टीप्लाई किया हमने 1.15 से, देन वी हैव 23। इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों तीनों मेथड की। क्लियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके चैप्टर में सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसका मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोगों ने किया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों फिर मैं इसको लिखवा दूंगा। निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज जेनसेट एंड प्रोड्यूसेस इट्स ओन पावर, डाटा फॉर पावर कॉस्ट आर एज फॉलोज, हॉर्स पावर, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं ए एंड बी, दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं एक्स एंड वाई, नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन यानी कि हमें कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितने घंटे चाहिए जो हमारी कैपेसिटी में है मैक्सिमम, यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, ये हमारे हो गए एक्चुअल आवर्स। तो यानी ऊपर हो गए हमारे अवेलेबल आवर्स और सेकेंड पॉइंट में हो गए हमारे एक्चुअल आवर्स। अवेलेबल आवर्स थे 10,000, 20,000, 12,000, 8,000, जबकि यूज किया हमने 8,000, 13,000, 7,000 एंड 6,000। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर अमाउंटिंग रुपीज 9,300, ऑफ दिस 2,500 वाज कंसीडर टू बी फिक्स कॉस्ट। तो बच्चों 9,300 में से 2,500 हमारी फिक्स कॉस्ट है, बाकी हमारी क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विसेज टू ए बी एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 13:6:1, यानी एक्स की कॉस्ट बटेगी किसमें ए बी और वाई में, रेशियो दिया हुआ 13:6:1, जबकि वाई की कॉस्ट बटेगी केवल ए और बी में 13:31:3 में। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि पहले हमें एक्स को बांटना है ए बी और वाई में, देन हमें वाई को बांटना है केवल ए और बी में। गिवन दैट डायरेक्ट लेबर आवर्स इन द डिपार्टमेंट ए एंड बी आर 1650 एंड 2175 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर इन ईच ऑफ दीज टू डिपार्टमेंट्स। देखो पहले हमें ओवरहेड्स को बांटना है, ओवरहेड्स हमारे दो हैं, 9,300 के दो पार्ट हैं, पहला है 2,500, ये किस रेशियो में बटना चाहिए, ये बटना चाहिए हमारा कैपेसिटी के रेशियो में। बचा कितना, बचा हमारे पास 93,000 माइनस 2,500, 6,800, ये वेरिएबल ओवरहेड हो गए, ये बटेंगे हमारे किस रेशियो में यूज्ड कैपेसिटी में, यानी कि 8:13:7:6 के रेशियो में। जब ये ओवरहेड्स बट गए उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के बांटेंगे एक्स के बांटेंगे ए बी और वाई में, और देन किसके बांटेंगे हम वाई के किस में ए और बी में, और जो ओवरहेड्स आएंगे उनको डिवाइड करेंगे 1650 से और 2175 से, देन व्हाट वी हैव रेट ऑफ ओवरहेड्स। देखिए एक बार मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ही सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ए बी एक्स वाई, फिक्स ओवरहेड्स किस रेशियो में, कैपेसिटी के रेशियो में, फिक्स रेशियो है कितने 2,500 इन 10, 20, 12 और 8 के रेशियो में, चारों में ही बटेंगे, ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है।
500, 1000, 600, 400. देन वेरिएबल ओवरहेड्स किस रेशो में? यूज कैपेसिटी के रेशो में, यानी कि 8:13:7:6 के रेशो में. $1600, $2600, $1400, and $1200. टोटल कितने आ गए? 2000, 2100, 3600, and 1600. फिर अपने को किसको बांटना है? X को बांटना है. किस रेशो में? 13:6:1, यानी कि 2000 नेगेटिव 1300, 600, 100. ये निल हो गया हमारा, ये हो गया 1700. अब वाई को बांटना है हमें 31:3 के रेशो में, यानी कि 1700 को बांटना है. ये निल हो जाएगा. $1,550. तो टोटल आ गए हमारे 43,500. हमको आवर्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 1,650 और 2,175. आवर रेट क्या आ गई? लेबर आवर रेट. हमने डिवाइड किया 4950 को 1650 से, दैट इज 3 रुपीस पर आवर, एंड 4350 को 2175, देन वी हैव पीस 2. सो ओवरहेड्स का इतना पार्ट खत्म हो गया. अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है मशीन आवर रेट, वो हम कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है.